देवता स्वरूप जो है वो है मार्कंड माता। मार्कंड माता के बारे में विस्तार पूर्वक आज हमें बताएंगे आचार्य अखिलेश मिश्रा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम इस नवरात्रि के पावन अवसर पर, जो नवरात्रि का पांचवा दिवस है, माँ भगवती नव दुर्गा स्वरूप में जो पांचवा स्वरूप है वो भगवती स्कंद माता। भगवती स्कंद माता का नाम पड़ा क्योंकि माँ भगवती के पुत्र का नाम है स्कंद कार्तिकेय। तो कार्तिकेय को हमेशा अपने गोद में लेकर के जो विराजती हैं बैठती हैं उन्हीं को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा वर्णन मिलता है जो भी भक्त इनकी उपासना करता है, क्योंकि भगवती श्रुति स्वयं कहती सर्वम खलमिदमेव हम नान्यदस्ति सनातन। इस संसार में अगर कोई शक्ति दिखाई पड़ रही है, कोई शक्ति है, तो मेरे सिवा इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। नान्यदस्ति सनातनम, इस सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में मेरी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। जो मेरी उपासना करता है उसके जीवन की अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवती स्वयं कहती कलौ चंडी विनायकम, इस कलयुग में चंडी की उपासना करने से, भगवती शक्ति की उपासना से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। वेद में स्वयं वर्णन आता है, माँ भगवती कहती कि जो भक्त मेरी उपासना करता है मैं उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कराती हूँ, स्कंद माता कहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग की प्राप्ति नहीं है। लेकिन माँ भगवती पार्वती कहती हैं स्कंद माता कि मैं अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करती हूँ, भोग भी मिलता है और लास्ट में मैं उनको जो है मुक्त भी कर देती हूँ। तो जो इस नवरात्रि के पावन अवसर पर पांचवें दिवस माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान करते हुए जो उनकी उपासना करता है, पूजा करता है, इस दिन कहते हैं माँ भगवती का विशेष प्रिय भोग है केला, केले का भोग लगाएं। अगर हमें आयु आरोग्यता प्राप्त करनी हो, संसार में अगर आयु बढ़ती रहे, जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होती रहे, तो ये सबसे बढ़िया हो, क्योंकि आद्यम शरीरम, पहले शरीर की सुरक्षा बहुत बड़ी होती है। अगर शरीर सुरक्षित है तभी हम भगवती की उपासना कर सकते हैं। तो केले का भोग लगाने से माँ भगवती भक्त को आयु आरोग्यता का वरदान देते हुए उन सबके मनोरथों का कल्याण करती रहती हैं। मेरे मन के अंतमस्त में ज्योतिर्मयी